सृष्टि करते हैं। पांच तत्व तो पहले से विद्यमान है, मन पहले से है, आत्मा पहले से है, कर्म पहले से है। ब्रह्मा जी केवल कल पुरुषों को जोड़ देने के मैकेनिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सृष्टिकर्ता समझ रखा है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा से साक्षात्कार करता हूं, और साक्षात्कार कैसे करना चाहिए, ये बोले टिट फॉर टैट सटे साठ्यम समाचरित जैसे कुदैसा। जो जिस भाषा में बोलता है उससे उसी भाषा में साक्षात्कार करो। अब हम बोले संस्कृत और तुम बोलो इंग्लिश, कैसे साक्षात चलेगा बोलो। जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में। एक बार श्रीमान जी हम भोपाल से बैठ करके कहीं जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, रिजर्वेशन था हमारा, सामने भी कोई सज्जन थे। ट्रेन बड़ी देर तक खड़ी रही रेलवे स्टेशन पर, कई बार पेपर वाला आया गया लेकिन उन्होंने पेपर नहीं खरीदा। और जब ट्रेन ने हॉर्न बजाया और चलने लगी तब वो कहते हैं नहीं दुनिया इधर आओ, पेपर वाले को बुलाया, पेपर खरीद लिया। हमने कहा भाई साहब आधा घंटे से गाड़ी खड़ी थी, आपने पेपर नहीं, गाड़ी चलने लगी तो आपने क्यों खरीदा। बोले अब तुम बाबा जी हो का जानो। हमने कहा बता दो शायद हमें भी कछु काम आ जाए तुम्हारी जी अकल। बोले असल में बाबा जी क्या है ना, ये जो हमारा जो दो का सिक्का दिया ना, बोले हाँ, बोले वो घिसा हुआ था। हमने सोचा अगर खड़ी हुई गाड़ी में खरीदेंगे तो फिर अभी ये बदलने आ जाएगा। हमने ले लिया पेपर, अब क्या बदलेगा। उसके बाद में श्रीमान जी ने अपना पेपर निकाला और थोड़ा देख दुख करके मुँह बनाया और चपती करके रखी। हमने कहा थोड़ा मुझे भी दे दो, मैं भी अब आप पढ़ चुके तो मैं भी अब रहने दो बाबा जी। अरे हमने कहा आपका क्या जा रहा है, आप तो रखे ही हो ना, थोड़ा हम पढ़ ले, अब रहने दो। हम कहा दे दो ना। कि असल में बताएं बाबा जी, हम कहा हम बताओ क्या बात है। कहा ये 2 महीना पुराना है। हमने कहा टिट फॉर टैट सटे साठ्यम समाचरित। जिस ईश्वर ने तुम्हें अकल दी है ना, उसी ईश्वर ने उस पेपर बेचने वाले को भी अकल दी है। वो भी ऐसे लोगों के लिए पहले से ही 2-4 महीना पुराने वाले पेपर रखे रहता कि वो भी चल जाए इसी में। इसलिए ज्यादा कभी कभी अकलमंदी इसी में होती कि ज्यादा अकलमंद ना बने, ये नोट कर लेना मेरे नक्शे को। कभी कभी होशियारी इसी में होती कि ज्यादा होशियार ना बनो। कुछ लोग अपनी होशियारी से ही मारे जाते हैं, जैसे रावण मारा गया। रावण कहता है हमको बंदर और हम मनुष्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने कहा आओ बेटा हम तुम्हें बंदर मनुष्य बनकर के ही मारते हैं, तुम्हें अभी बताते। दुर्योधन बोलता है कि महाराज हम वज्र क्यों हो जाएं, तो महाराज उसने ऐसी भगवान ने लंगोटी लगवाई उसको और दुर्योधन को बता दिया। अब तो भीम को बता दिया कि अभी पूरी जगह से तो पक्का यहीं पर मारो उसको, खींच करके वहीं से ले भी थी। कभी कभी अकलमंदी इसी में होती है कि ज्यादा अकलमान ना बनो। ब्रह्मा जी महाराज ने अकलमंदी दिखाई, सारे गोप ग्वाल वालों को बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने ऐसी लीला की यावद वत्स पवत्स कालपक बपुर यावद करांग्राधिकम यावद यष्ट विषाण बैणु दलसगी यावद विभूसाम्बरम यावत छील गुणाविधा कृतमयो यावत विभूसाम्बरम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजह सर्वस्वरूपो बभू। भगवान ने सभी गोप ग्वाल वाल गाय बछड़ों का ही रूप धारण नहीं किया, उनके गले की घंटी भी भगवान बन गए, उनके पांव के जूते भी भगवान बन गए, उनके हाथ में जो लाठी है वो भी भगवान बन गए, और जो तिरपट देखते थे वो तिरपट ही देख रहे थे, जो हंसते ही रहते थे वो हंसते ही देख रहे थे। और इस प्रकार से जिसका जैसा स्वभाव, जैसी चाल चलन, जो कपड़े, सब कुछ भगवान बन गए। और इतने ही नहीं किया, भगवान ब्रह्मा भी बन गए, ब्रह्मा जी के लोक में जाके बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी सबको इधर उधर रखने के बाद में जब अपने लोक में आए तो ब्रह्मा जी के दूतों ने उनको ले लट्ठी का भगो यहां से, तुम छलिए हो यहां पर आ गए हो, हमारे देवता तो ब्रह्मा अंदर बैठे हुए। झांक करके देखा हे बाप, वहां तो सतमुच में एक ब्रह्मा बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी घड़ी देखी, ब्रह्मा जी की घड़ी का 1 मिनट और हम लोगों की 1 वर्ष। ब्रह्मा जी ने कहा बाप रे बाप, इन मृत लोकवासियों का तो 1 वर्ष व्यतीत हो गया, क्या हो रहा हुआ इन लोगों का। लौट करके आए तो वहां सब कुछ चकाचक था, सब आनंद में थे, क्योंकि हर एक गोप ग्वालवाल की मां ये सोचती थी कि अगर मेरे बेटे गोविंद होते तो कितना अच्छा होता। अब उनके पास में जो गोप ग्वालवाल आ रहे हैं वो कौन थे, साक्षात गोविंद थे। हर एक गाय सोचती थी कि गोविंद खुद आंचल में बछड़े बनकर के दूध पीते तो कितना अच्छा होता। अब जितने भी बछड़े हैं वो कौन है, भगवान है। ब्रह्मा जी का अहंकार चकनाचूर हो गया, वे समझ गए कि हमने जिनको साधारण मनुष्य समझ रखा है ये तो साक्षात भगवान है। शरणागत हो गए, बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नौमीडते ब्रुवपुषे तडिदंबुराय गुंजावतंसे
परिपिच्छल सनमुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपंग जाय। बहुत सुंदर प्रार्थना। अस्यापि देव वपसो मदनो गृहस्य स्वेच्छामय सुनत भूतमय कोपि। हे महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे गोविंद, आपने ये जो स्वरूप धारण किया है ये कोई साधारण रूप नहीं है। कहते हैं कि ये जो रूप है आपका बड़ा अद्भुत रूप है। अस्यापि देव वपसो मदनो गृहस्य, ये जो आपने स्वरूप धारण किया हुआ है वंशी विभूषित करण, ये हमारे ऊपर, हम प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए ही ये रूप आपने धारण किया है। और ये जो आपका शरीर है भगवान कृष्ण का, ये पंचभूत से बना हुआ नहीं है। भूत महेश कोपी नेशे मही तो वशितम मन शांत्रेण साक्षात तवे उत्तम तात्म।